Yapılacak ana ki aşık liquid ara. ठीक है, यहाँ पे एरिया 0.12 मीटर स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर एरिया है 0.12 मीटर स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जो है ना एरिया है 0.18 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर वेलोसिटी है मान लो v, ठीक है, जो v की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, ठीक है, लिक्विड यहां से एंटर करता है और यहां से इसके दो एग्जिट है, तो मैंने बताया था अभी वॉल्यूम एंटरिंग इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिटिंग, निकाल सकते हो आंसर, तुम लोगों को मैं घिन दे तो यहां से एरिया इनटू वेलोसिटी, यहां से जो निकलेगा और यहां से जो निकलेगा ये वॉल्यूम एंटरिंग हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, यहां से एंटर किया क्या ए वन बी वन, जो एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा एक सेकेंड, यहां मान लो एग्जिट किया ए टू बी टू, यहां से अगर एग्जिट किया ए थ्री बी थ्री, ये वाला पार्ट हो गया एग्जिटिंग का, इस दोनों को ऐड कर दो ये वॉल्यूम एंटरिंग इन वन सेकंड, अगर ये एक होता और चार जगह से निकलता तो मैं लिखता ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री ए फोर बी फोर, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम एंटरिंग इन वन सेकंड, किसी का आंसर आया तो लिखो, ओके अच्छा वेरी गुड, बाकी लोग भी दो, सबको आंसर दो, यहां से चेक करो एक बार, देखो एरिया इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां पे एंट्रिंग वाला कितना 0.12 इनटू वेलोसिटी कितनी यहां पे 3 है, यहां पे एरिया कितना 0.12, वेरी गुड दुर्गा, यहां पे एरिया कितना है सही तुम्हारा 0.12 इनटू यहां पे वेलोसिटी कितनी 1.5 है, प्लस यहां पर कितना है 0.18 इंटू वी, जैसिका सही है, बहुत बढ़िया वेरी गुड, ये हो जाएगा मेरा 0.36, इसको निकाल लो, ठीक है, 12 कितना 0.18 प्लस 0.18 वी, तो ये कितना हो जाएगा 0.18 भी, ठीक है, वी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया सबको, तो याद रखना प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का जो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूले में ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू तभी अप्लाई करते जब एक होल से निकलेगा और एक होल से एग्जिट करेगा, नहीं तो इसका कॉमन क्या है कि जितना भी लिक्विड आएगा एक सेकंड में उतना लिक्विड निकलेगा एक सेकंड में, ठीक है, अगर मान लो अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके अगर यहां से लिक्विड अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये अगर ऐसे जा रहा है तो जितना भी वो एंटर करेगा, ये एंटर जितना भी करेगा ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, ठीक है,
जितने से भी एंटर करेगा और जितना से वो एग्जिट करेगा, ए थ्री वी थ्री प्लस ए फोर वी फोर, जितने से वो एग्जिट करेगा ना उसको इक्वेट कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया, बेसिक चीज तुमको याद रखनी है, समझ में तुमको अच्छे से आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने क्या किया, हमने एक एडवांस अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी कर लिया हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर। अभी हम लोग एक टॉपिक करते हैं जिसका था बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम की अगर मैं बात करूं ना, तो तुम लोग को मैंने बर्नौली थ्योरम पूरा समझाया भी था कि बर्नौली थ्योरम में तीन चीज का सम, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम कैसा था, कांस्टेंट था। दिस वाज सिंपली बर्नौली थ्योरम। क्लियर, तुम लोग को मैंने इसका प्रूफ भी बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम से यूज करके। क्लियर, मैंने तुम लोग को बर्नौली थ्योरम में ये भी बताया था कि इसके कुछ कुछ एप्लीकेशन बताए थे, जैसे कि हमारा स्पिनिंग ऑफ द बॉल था, फिर एरोप्लेन उड़ता था उस पर मैंने बताया था तुम लोग को इसके एप्लीकेशन, फिर मैंने तुम लोग को इसका एप्लीकेशन बताया था क्या कहते हैं कि रूफ जो होता है वो घर का उड़ जाता है, ठीक है, उस पर मैंने बताया था। ठीक है, अभी मैंने तुम लोग को ना इसमें दो चीजें छोड़ दी थी, वो दो चीजें मैं अभी बता देता हूँ। एक तो था वेंचुरीमीटर का कंसेप्ट और एक है वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्नौली थ्योरम पे आज, वेंचुरीमीटर। ठीक है, वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो पहली बात तो इंट्रो इसका ले लेते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, दो चीजें याद रखना, एक होता है रेट ऑफ फ्लो और एक होता है वेलोसिटी। ठीक है, ऑफ द फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मतलब कितना हो गया, कितना लीटर पानी या कितना मीटर क्यूब पानी ट्रेवल करेगा एक सेकेंड में, और वेलोसिटी मतलब पानी कितना लेंथ ट्रेवल करेगा एक सेकेंड में, लेंथ मतलब मीटर में। क्लियर, इसका प्रिंसिपल क्या था, देखो जो वेंचुरी मीटर होता है ना, ठीक है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डायग्राम में क्या होता है, देखो जरा सा, ये ऐसे ना एक क्यूब होती है, इस तरह से जाएगी, और यहां से क्या होता है, ये ऐसे करके जुड़ी होती है और यहां से एक और इसमें इस तरह से एक पाइप यहां पे बनाई जाती है।
ठीक है, ये हमारा सिंपल सा डिजाइन बन गया बैचुरीमीटर का। ठीक है, बस ऐसा सिंपल सा एक ऐसे एक खोखला सा प्लास्टिक का ग्लास का पाइप होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक एरिया थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एरिया थोड़ा बड़ा होता था A1, यहाँ पे एरिया थोड़ा छोटा हो जाता है A2, ठीक है, और यहाँ से पूरा का पूरा जो होता है ना लिक्विड ऐसे करके यहाँ पे फ्लो करता है। जैसे पूरा सेटअप को हम डाल दिया नदी में डाल दिया, ठीक है, और जब नदी में डालेंगे पानी कैसे बहाव होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये इसका हो गया डायग्राम। ऊपर का नोट कर दो सबसे पहले, क्योंकि मैं ऊपर में लिखूंगा इसके बारे में, क्योंकि अब जगह चाहिए होगी मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लियो, ऊपर का मैं इरेज कर रहा, ठीक है। अभी कैसे लिक्विड की स्पीड को मेजर करेगा जरा देखो, यहां पर क्या होता है, देखो जब यहां से लिक्विड फ्लो करेगा ना, पहली चीज तो क्या देखा जाएगा कि यहां पर एरिया जो है बड़ा है, जहां पर एरिया बड़ा होता है, ठीक है, वहां पर वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ये सबको पता है। एरिया इंटू वेलोसिटी कैसी होती है, कॉन्स्टेंट होती है। जब जहां पर एरिया बड़ा होता है वहां पर वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, यहाँ वेलोसिटी होगी V1, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी होगी मान लो V2। जहां मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि V1 जो होगा ना V2 से छोटा होगा, एरिया बड़ा है ना तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि जहां पर वेलोसिटी कम होती है, अब देखो ये दोनों ही पॉइंट तो सेम लेवल पे ना है, तो हाइट की तो कोई बात ही नहीं, हाइट की तो कोई चर्चा करना बेकार वाली बात है। तो P+ ½ρV² कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों के लिए हाइट सेम है, तो हाइट का कोई कंपैरिजन का मतलब ही नहीं बनता। अगर मान लो मैंने इसको देखा तो प्रेशर प्लस ये वैल्यू कैसी रहती, कॉन्स्टेंट रहती है। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर वेलोसिटी कैसी है, कम है। अगर यहां पर वेलोसिटी कम है तो ऑब्वियसली बात है वी लेस है, तो यहां पर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर मान लो प्रेशर, अगर मैंने बोल दिया P1 है, यहाँ पे प्रेशर मान लो P2 है, तो यहां से क्या ले सकता हूँ कि प्रेशर जो होगा ना 1 पे 2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये बात भी तुम देख सकते हो, है ना, प्रेशर यहाँ पे कैसा होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तीनों बातें क्लियर होगी सबको, एरिया बड़ा है वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। अब क्या होता है जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है ना, ठीक है, ऊपर पूरा एटमोस्फेयर है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है ना तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ का जो लिक्विड होता है ना वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। यहाँ का लिक्विड कैसा होगा, ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेयर से तो ज्यादा है, ठीक है, यहां पर भी लिक्विड ऊपर उठ जाएगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं उठ पाएगा जितना ऊपर यहां पर उठा है। यहां पर प्रेशर 1 पे प्रेशर काफी ज्यादा है, ठीक है, यहां पर प्रेशर उतना इससे तो कम ही है ना, तो ऑब्वियसली बात है यहां प्रेशर कम है तो लिक्विड कम ऊपर उठेगा। हमने यहां पर क्या किया, यहां पर प्रेशर का जो तो डिफरेंस है ना वो तो हम यहां से निकाल ही सकते हैं। ये जो डिफरेंस इन प्रेशर आएगा डेल्टा पी, ठीक है, दैट इज P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला सबको पता है, इतना रो जी एच, ये जो क्या कहते हैं हाइट का जो डिफरेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक का, इससे हम क्या कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आई थिंक सबको यहां पर ये डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया, ठीक है, डायग्राम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक छोटे छोटे हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, इन क्यूब वन
ये ट्यूब वन है, लिक्विड राइजेस टू ग्रेटर हाइट, न्यू टू हाई प्रेशर। ठीक है, यहां पर क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर था तो ऊपर ज्यादा ढकेला, लेकिन यहां पे लो प्रेशर था तो कम ऊपर ढकेला। ठीक है, तो ये दो पॉइंट की बात की जाए तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, पी वन यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, जब मैंने लिख के यहां पे तो क्लियरली यहां पर जो प्रेशर होगा पी वन माइनस यहां पर जो प्रेशर है पी टू, ये दोनों का डिफरेंस कहां से निकलेगा, ये डिफरेंस आ जाएगा रो जी एच, है ना, ये हाइट का डिफरेंस हमें क्या देगा, प्रेशर का डिफरेंस देगा। अब पता कितनी बार खाली एग्जाम में जो है ना वन मार्क वाले टू मार्क का खाली ऐसे डायग्राम दे देगा, तुम्हें खाली यहाँ पे पूछ लेगा कि कहां पे लिक्विड ज्यादा ऊपर राइज करेगा, खाली वो भी पूछा जा सकता है कितनी बार। ठीक है ना, हमें क्या, हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है लिक्विड, तो मैं यहां पे क्या ले सकता हूं, ये नोट कर दो अच्छे से पहले, मैं यहां पे लिख सकता था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, P1 माइनस P2 टू हाफ रो बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर, पी वन हो जाएगा हमारा पी वन माइनस पी टू, हमने क्या लिखा था रो जी एच इक्वल टू हाफ रो बी वन स्क्वायर, हाफ रो कॉमन ले लिया मैंने बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर, ठीक है, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो, ये रो रो तो कट जाएगा, मैं यहां से क्या ले सकता हूं, मुझे निकालना वी वन और वी टू है, टू जी एच टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, देखो तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू हो जाएगा, ये सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, है ना, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, यहां से मैंने क्या लिखा वी टू के बदले में क्या ले सकता हूँ ए वन वी वन बाय ए टू माइनस इसका स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट वी वन हमारा क्या हो जाएगा वी वन स्क्वायर हो जाएगा, इसको कॉमन ले लो, ठीक है, वी वन निकालने के लिए तो ये हमारा हो जाएगा ए वन स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर, टू जी एच, तो वी वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ए टू स्क्वायर इंटू टू जी एच बाय ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वी वन हो जाएगा, ए इसको इसका रूट करेंगे तो ये ए टू हो जाएगा रूट ओवर टू जी एच बाय ए वन स्क्वायर माइनस ए टू, ठीक है, ये हमारा हो गया वी वन के लिए एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को, अगर V2 निकालना है यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे V2 निकालना था तो V2 को V2 रहने देते, V1 के बदले यहां से क्या पुट कर सकते थे हम लोग A2 V2 by A1, ठीक है, उसका स्क्वायर करते ना तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को हम V2 बना लेते और आंसर मिल जाता,
वी टू का जब आंसर निकालोगे ना तो वी टू आ जाएगा ए वन रूट ओवर टू जी एच बाय ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ये हमारा जाएगा क्या कहते हैं वी टू के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन तुम लोग आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर जाओ। ठीक है, और इसके आगे जो ना हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे, और तुम लोग अपने क्या कहते हैं मैं ना एक होमवर्क जो ना तुम लोग को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तुम लोग उसके जितना मैंने पढ़ाया ना उसके अकॉर्डिंग तुम लोग के मॉड्यूल्स सॉल्व करना चालू कर देना। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। बाय।